ज्योतिर्लिंग की यात्रा में हम आ पहुँचे हैं दक्षिण छोर पर स्थित श्री रामेश्वरम के धाम में। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित इस ज्योतिर्लिंग धाम को हमारे चार धामों में से एक मुख्य धाम माना जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री राम ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए और कीजिए भगवान श्री रामेश्वरम के दर्शन। भगवान श्री रामेश्वरम का ये धाम शैव और वैष्णव दोनों ही द्वारा समान रूप से पूजा जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र का भी परम धाम है। कुछ जिज्ञासु बैठे थे, उन्होंने पूछा कि रामेश्वर का क्या अर्थ है। तो भगवान राम ने कहा, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर। भगवान शंकर शिवलिंग से बोल पड़े, रामा ईश्वरो यस्य, राम है ईश्वर जिसका, वो रामेश्वर। वहाँ ऋषिगण बैठे थे, उन्होंने कहा हम दोनों का ही अर्थ स्वीकार नहीं करेंगे, रामस्तासो ईश्वरस्त रामेश्वरा, जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम है। त्रिनाथ द्वारिकापुरी और साथ में रामेश्वरम जगन्नाथपुरी, ये चार स्थानों को चार धाम कहते हैं। तो तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ केवल शिवलिंग है, लेकिन रामेश्वरम में शिवलिंग के साथ साथ इसे धाम भी माना है, क्योंकि भगवान वहाँ रह करके तीन दिन तक समुद्र से प्रार्थना किया है और साथ में स्वयं अपने हाथ से शंकर जी की स्थापना किया। इनका बहुत महत्व है, पुराणों में सर्वत्र चर्चा है, रामायण में इनका विशेष आख्यान आता है।